नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी किचन में। दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी है कटहल के कोफ्ते। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मेरी रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए दोस्तों हम लेंगे कटहल 200 ग्राम, जिसे हम बॉयल कर लेंगे। 2 आलू, इसे भी मैंने बॉयल कर लिया है। ये 1 प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इसका इस्तेमाल हम कोफ्ता बनाने के लिए करेंगे। 1 टमाटर की प्यूरी, ये 1 प्याज का पेस्ट, इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी के लिए करेंगे। धनिया पत्ती, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन, जिसे क्रश कर लिया मैंने, इसका इस्तेमाल हम कोफ्ता बनाने के लिए करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी के लिए करेंगे। आधे कप बेसन, नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर 1 बड़े चम्मच, जीरा पाउडर 1 बड़े चम्मच, अजवाइन आधे छोटे चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधे छोटे चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटे चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटे चम्मच, दही 2 बड़े चम्मच। इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी के लिए करेंगे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, दही हमारी थोड़ी खट्टी होनी चाहिए। हींग 2 तेज पत्ता और ये जीरा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। इसमें डालेंगे हम ये उबले हुए कटहल। इसे अच्छे से हाथों के साथ इसे मैश कर लेंगे। इसमें डालेंगे उबले हुए आलू, इसे भी इसमें अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, एक कटे हुए प्याज, अदरक लहसुन जो मैंने चॉप करके रखा था, ये धनिया पत्ती, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच के लगभग नमक और ये अजवाइन। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सब कुछ अच्छे से मिला लिया है। दोस्तों, अगर आपको ये मिक्स करते वक्त अगर लगे कि ये बैटर थोड़ा सा गीला है, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन लेके और डाल सकते हैं। अब हम इसके गोले बनाएंगे छोटे छोटे। देखिए, इस साइज के गोले बनाएंगे और सारे गोले बना के रख लेंगे। फिर हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था और हाई फ्लेम पे रखा था। हमारा तेल अब गरम हो चुका है। हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और अपने कोफ्तों को इसमें एक एक करके डालेंगे। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, को गैस का फ्लेम एकदम मीडियम ही होना चाहिए, क्योंकि कोफ्ते हमारे फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ठीक से सिकेंगे नहीं। एक बार में जितने कोफ्ते आते हैं इसमें डालेंगे और हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो कोफ्ते एकदम लाल हो चुके हैं। अभी से हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। मैंने मीडियम ही फ्लेम पे इसे फ्राई किया है। आप भी इसे मीडियम ही फ्लेम पे फ्राई करिएगा। इसी तरह हमने सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। दोस्तों देखिए, मैंने सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लिए हैं। सारे कोफ्ते तैयार हैं। इसी तेल में हम अपनी ग्रेवी बनाएंगे। मैं इसमें से तेल थोड़ा सा कम कर दूंगी। हम इसमें अपनी ग्रेवी बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा तेल गर्म है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले हींग, फिर डालेंगे तेज पत्ता और ये जीरा। इसे थोड़ा लाल होने देंगे। अब इसमें डालेंगे ये प्याज का पेस्ट, इसी में डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छी तरह हम थोड़ा डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। करते हैं प्याज। ये प्याज सिक चुका है। तो हम इसमें डालेंगे अपने मसाले।
ये हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ये नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे थोड़ा भून लेते हैं, फिर हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर। देखिए मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी और ये 2 चम्मच दही। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके किनारों के तेल छोड़ने तक हम इसे ढककर पकाएंगे। इसे मिक्स कर लिया, हम इसे कवर कर देते हैं और इसे पकने देते हैं। ये चेक करते हैं हमने मसाले, जैसा कि आप देख सकते हैं मसालों ने तेल छोड़ दिया है और इस खुशबू भी अच्छी आ रही है। हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हम इसमें डालते हैं गरम मसाला पाउडर, पानी। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे, आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं इसमें। इसमें एक बॉयल आने का इंतजार करते हैं। देखिए दोस्तों हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें डालेंगे हम अपने कोफ्ते। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर हम अभी कोफ्ते डाल देंगे तो हमारी जब हम सर्व करेंगे तो कोफ्ते टूट सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कोफ्ते डालने से क्या होगा कि जो हमारे कोफ्ते हैं वो ग्रेवी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे और अच्छे से फूल जाएंगे। देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके ही कोफ्ते डाला है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी डाल सकते हैं। यदि आप चाहें तो सर्व करते वक्त भी कोफ्ते रख कर प्लेट में उसके ऊपर ग्रेवी डाल सकते हैं, परंतु इस तरह भी अगर आप डालेंगे तो आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। देखिए मैंने इसे अच्छे से ग्रेवी में डाल दिया है, हम इसे कवर कर देंगे। जब हम सर्व करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल सही है, सलामत है और टूटे बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसे ढक देते और थोड़ी देर 5 मिनट बाद हम इसे निकाल के सर्व करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो चुकी है, कोफ्ते भी फूल चुके हैं। मैं आपको एक कोफ्ता निकाल के दिखा रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कोफ्ते भी फूल चुके हैं और देखिए साइज में भी बड़े हो चुके हैं और कहीं से टूटे हुए भी नहीं हैं। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। चलिए इसमें हम डालते हैं अपने कोफ्तों को। इसके ऊपर डालेंगे हम ग्रेवी। ग्रेवी आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं दोस्तों, आप चाहें तो थोड़ी गाढ़ी भी बना सकते हैं। और हम अब इसकी गार्निशिंग करेंगे धनिया के पत्तों से। तो देखिए दोस्तों हमारे कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार है और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।